वेलकम इन सेगमेंट आज की बात विद एसएसबी। हमारा आज का टॉपिक है आजकल के ड्रामे। नाजरीन, आजकल के ड्रामों में हमें क्या कुछ दिखाया जा रहा है? क्या ये सब कुछ हमारे माशरे का हिस्सा बन सकते हैं, या हम जानबूझ के इन्हें अपने माशरे में शामिल करने की कोशिश करने की तगोदो में? क्या हमारा माशरा, हमारी तहजीब व तमद्दुन या हमारे जो अखलाक हैं वो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि इस जो टाइटल आपको नज़र आ रहे हैं इस पे ड्रामे बना के और आप अपनी फैमिली के साथ, माँ बाप, बहन भाई, किसी के साथ भी ये देख सकते हैं? क्या ससुर बहू का इश्क बैठ के फैमिली में देखा जा सकता है? वालदेन से छुपके वाइफ से शादी करना और फिर उसको साबित करना ये देखा जा सकता है? क्या बूढ़े वालदेन को छोड़कर अपना अलहदा घर बना लेना, इस पे जोर देना ये देखा जा सकता है? घर में दीन की जगह डांस को लाना, वहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़े या ऐसे वाहियात डायलॉग जो कि आम घराने या इस्लामी घराने में ज़रा भी जेब नहीं दे सकते, क्या वो दिखाए जा सकते हैं? क्या बहनोई साली का इश्क हमें दिखाया जाना चाहिए, या ये एक सबक देना चाहिए कि अगर आपने शादी की और आपके हालात अच्छे नहीं हो रहे, आप गरीब को छोड़ें और अमीर से शादी कर लें, एक अमीर को छोड़ें दूसरे और अमीर ज़्यादा से शादी कर लें, तो ज़िंदगी इसी तरीके से गुजारनी जान होनी चाहिए? मेरी ऐसे पाकिस्तानी राइटर से दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी ड्रामे में पाकिस्तानी का विरसा दिखाएं, जो सकाफत है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रहन सहन है, जो प्यार मोहब्बत है, जो एक दूसरे के लिए दुख दर्द देने वाला एहसास है, जो प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के लिए सब कुछ लुटा देने वाला एहसास है, वो दिखाएं। बराए मेहरबानी ये मत दिखाएं अपने घर का अगर हाल अहवाल ऐसा है या आपके घरों में ऐसा माहौल है, तो उसको जहन नशीन करके एक ड्रामा लिख के और पैसे दे के उस पर वो कहानी बना के माशरे में मत दिखाएं। तो ये आपसे गुजारिश है कि जितने भी राइटर्स ड्रामा लिखने बैठते हैं तो कम से कम अगर अपने घर के हालात लिखने बैठते हैं तो उससे माजरत, आप वो लिखें जो आपको इर्द गिर्द नज़र आए, प्यार मोहब्बत दर्स वो दें, एक दूसरे को इखलाक का दर्स दें, अच्छा दर्स दें ताकि अच्छा बेहतर माहौल पैदा हो सके। तो आपकी इस पे क्या राय है ज़रा ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।